बताओ तो सही, मुझे बहुत टेंशन हो रही है कि आखिर अनाया ने ऐसा किया क्या है। उसने अपने बॉस के साथ अफेयर चलाया। वो मेरी दोस्त है ना, वो नेक्स्ट वीक से उनके सेशंस अटेंड करेगी। हारिस ने क्लिनिक छोड़ दिया है, उसने तो कल ही अपॉइंटमेंट लिया। क्लॉज नंबर 3 में करेक्शन करवा दें। जी सर। क्लॉज नंबर 7 में भी इसकी करेक्शन बड़ी ज़रूरी है। जी सर। और ये नंबर 5 को भी ज़रा देख लें खुद ही ज़रा। जी सर। ठीक है, कुछ खुद भी करें ज़रा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वेयर आर यू लॉस्ट? इतने दिन से कॉल्स कर रहा हूँ, कोई रब्ता ही नहीं हो रहा। सर वो घर में इतनी सेलिब्रेशन चल रही थी कि आपको तो पता है फ्रेंड्स एंड फैमिली सब आ गए थे, फोन का ध्यान ही नहीं रहा। स्ट्रेंज, सेलिब्रेशन में आप ऑफिस को भूल गई। सर मुझे कुछ दिन की छुट्टी मिल सकती है? मजीद छुट्टी? चलें आप एचआर को ईमेल कर दें, आई लुक इनटू इट। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना। Hi. Hi. How was your day? Good. Give me 10 minutes. मैं ये लेक्चर खत्म कर लूँ, okay? हाँ बोलो आतिफ। मैंने कंफर्म कर लिया था, हारिस भाई कोई लेक्चर नहीं दे रहे, वो 3 से 4 घंटे रोज अपने क्लिनिक में बैठते हैं। ओके। जी ठीक है, अल्लाह हाफिज़। तुम्हें क्या हुआ? घर पे? चलो खाना खाते।
बाबा सूप ठंडा हो रहा है, पी नहीं रहे? हाँ, थोड़ा ठंडा हो जाए ना फिर पीऊंगा। कैसा? कैसा दिख रहा? बीमार लग रहा है। आंखें चेक कराओ अपनी। अनाया, तुमने नौकरी से रिजाइन कर दिया क्या? नहीं बाबा, लीव लिया है। आपको क्यों लगा मैंने रिजाइन किया? वो मैंने सोचा कि शायद हसन को अच्छी नौकरी मिल गई है ना, तुमने नौकरी ना करने का इरादा कर लिया। नहीं बाबा, हाँ बेटा, नौकरी ना छोड़ना बेटा। जो औरतें घर बैठी रहती है ना, वो छोटी छोटी बातें पकड़ के जिंदगी जाया कर देती है। उनकी ना सोच बदलती है ना मंजर बदलता है। तुम्हारी अम्मी की तरह। बताओ अम्मी को, बताऊं क्या कह रहे हैं? बताऊं? बाबा हसन की कॉल आ रही है। हेलो जी हसन, बिल्कुल ठीक हूं मैं, आप कैसे? अम्मी बाबा भी ठीक है? नहीं नहीं, मैं अम्मी बाबा के घर पे ही खुश हूं, मैंने नहीं जाना। मेरी मेरी बात नहीं कराओ ना हसन। जी बाबा, ये बात करें हसन, ये बाबा से बात। हेलो हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही। बाबा कॉल ड्रॉप हो गई। दोबारा कॉल आए तो? हाँ बेटे, दोबारा जब कॉल आए ना, सूप भी पिया आपने, तो मेरी बात जरूर कराना। जी ठंडा हो जाएगा, पी लीजिए ना। हाँ, भूख नहीं लग रही, मतली हो रही है, थोड़ा सा पी लें। अभी पी लूंगा, अभी पी लूंगा। अजीज, आपको एक खुशखबरी सुनाऊं? खुशखबरी? खुशखबरी सुनाओ। आप नाना बनने वाले? अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। शुक्र, तेरा शुक्र। उसका बहुत ख्याल रखना बुशरा, उस बच्चे का बहुत ख्याल रखना, मुझसे भी ज्यादा। हसन, डैड, आप कब आए? बस अभी आया हूं। तुम ठीक हो? जी ठीक। यू हैव 30 मिनट्स, जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम मेरे साथ आज ऑफिस चल रहे हो। डैड अभी मैं कुछ, नो एक्सक्यूजेस, 30 मिनट्स, मैं आपका लाउंज वेट कर रहा हूं।
अस्सलाम वालेकुम, आइए। माहम, क्या मदद कर सकता हूँ मैं आपकी? मेरे शौहर ने मुझे धोखा दिया है, मुझे उसके साथ क्या करना चाहिए तुम बताओ। मैं तुम्हें समझाता हूँ। नहीं, मैं तुम्हें समझाऊंगी। ये बात ना कान खोल के ध्यान से सुनना। मेरी जिंदगी में चीटर्स की कोई जगह नहीं है, सुना तुमने? राल, 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 मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। धोखा नहीं दिया तो फिर ये क्या था? ऐसा बोलो, मेरा ऑफिस सब सुन रहे हैं इमरान, मैंने कोई जुर्म नहीं किया है। तुम्हारी नजर में झूठ बोलना जुर्म नहीं है? मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, आज मैंने तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। बेटे, जो तुम्हारे साथ हुआ अच्छा नहीं हुआ, हैरान होने की जरूरत नहीं है, मुझे आतिफ ने सब कुछ बता दिया। आतिफ कहाँ मिला आपको? हमने उसे जॉब पे रख लिया है। उसने मुझे तो कोई ऐसी बात नहीं बताई। मैंने मना किया था, तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। हसन बेटा, जो तुम्हारे साथ हुआ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन बेटा अगर बैड एक्सपीरियंस को अपने दिल से लगा के रखोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अक्लमंद इंसान वही होता है जो अपने बैड एक्सपीरियंस से सीखता है और आगे बढ़ता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ डैड। किताबों में लिखे सबक अक्सर भूल जाया करते, वक्त का पढ़ाया हुआ सबक कभी नहीं भूलता। तुम अपने ऑफिस जाओ, मैं आतिफ को भेजता हूँ। जी डैड। बोलो, क्यों कॉल कर रहे हो? तुम कहाँ हो? मिराल, मेरी बात तो सुनो। फायदा नहीं, कोई दलील मेरा फैसला नहीं बदल सकती। अब मिराल, इतनी छोटी बातों को लेकर फैसले नहीं होते। कहाँ हो तुम? मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। मैं तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर रही हूँ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना अब। मिराल, मिराल, तुम ओवर या करे व्हाटएवर। देखो, अगर हारिस भाई के क्लिनिक से मसला था तो शादी से पहले बात करती ना। पहले मुझे ना एहसास नहीं हुआ इस बात का, लेकिन कोई भी औरत नहीं चाहेगी कि उसका शौहर दुनिया की आधी औरतों के मसले हल करता फिरे। यार, अब तुम ज्यादती कर रही हो। हाँ, तुम्हें तो मैं ही मुजरिम नजर आती हूँ ना। मैंने उसे क्लिनिक छोड़ने के लिए कहा था, अगर उसने मुझे चीट किया। ऐसा नहीं है मेरा, छोटी सी बात पर अपना घर खराब नहीं करो। शराब में मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। और क्या करूं, किसको बताऊं? हर बात तो मैं बाबा से शेयर करती थी,
सारा से बात करूं, मगर क्या बात करूं, किस किस को बताऊंगी? मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। बाबा काट के आपने नाखून लाए मुझे दे, मैं आपके पाँव के नाखून काट। अरे नहीं बेटा नहीं, हमने तो कभी तुम्हारी अम्मा से अपने पैर के नाखून नहीं कटवाए। तो मैं अम्मा तो हमारी जान हो मेरी चिड़िया, बस तुम ये वाला कोना पाई करो, कोना निकला है इसका। देखा ठीक है मेरी चिड़िया, कैसी है? मैं ठीक हूँ। ठीक हो? हाँ हाँ, हमने तो सुना है कि बेटियां अपने घर में ही खुश हैं। क्या मतलब है आपकी बात का? ये मेरा घर नहीं है? तुम्हारा ही घर है बेटे मेरी जान, है? सब को इस तरह नहीं जाना चाहिए था अचानक। बाबा इतनी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी थी, उन्हें जाना पड़ा। हाँ। बेटा इससे पैसों का क्या फायदा, जो इंसान को अपनों से दूर कर दे। साल छह महीने की बात है, वापस आ जाए इंडिया से। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब क्या है ना बेटे, तो उससे क्या ना यही नौकरी ढूंढ ले। ठीक, चार दिन में उतार गए आप मुझसे। अरे मेरी जान मेरे जिगर के टुकड़े, उकता सकता हूँ क्या मैं तुमसे? है मेरे इख्तियार में होता तो कभी तुम्हें खुद से अलग नहीं करता, मगर ये जो कुदरत के कवानीन होते हैं ना फिर, इनके आगे इंसान बहुत बेबस होता है। लीजिए सूप, इतने प्यार से अपनी अनाया से बोलते हैं, कभी मुझसे भी इतने प्यार से बोले। ये मेरी अनाया है, मेरी चिड़िया, मेरी बेटी है। मैं भी तो किसी की बेटी हूँ। यकीनन। अरे फिर जिनकी बेटी हो उनसे जाके बातें करो बुशरा। देखा, तुम्हारे नाना अब्बू के पास भेज रहे हैं मुझे, फिर आपका ख्याल कौन करेगा? अरे बहुत यकीन है हमें बुशरा तुम्हारी वफा पे, हम बेवफाई कर जाएं तुमसे ना होगी, तुम नहीं छोड़ के जाओगी। अनाया ये मुझे दो, जाओ टिश्यू ले। Thank you.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मामा आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है? नहीं, मैं अनाया से मिलकर आई हूं। क्यों क्यों मिली आप उससे? अगर आपको यह लगता है कि मैं उसे माफ कर दूंगा तो ये आपकी गलत फहमी है। तुम उसे माफ करो या ना करो, वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। नहीं चाहिए उसकी माफी। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुमने क्या खोया है। जिस दिन यह हकीकत तुम्हें पता चलेगी, तुम कोनों में छुप छुप कर रहोगे। क्यों उसे दोजख में वापस धकेल रही हो? पहली मां देखी है जिसको अपने बेटे के लौटने की कोई खुशी नहीं हुई। बेटा जुल्म ढाकर आया है, बहुतान लगाया है इसने। और आपको पता है बहुतान लगाना कितना बड़ा गुनाह है? मैं मां हूं, मुझे डर है कहीं मेरा बेटा अल्लाह की पकड़ में ना आ जाए। जुबान को लगाम दो, इस घर में सारे फसाद तुम्हारी वजह से होते हैं। या अल्लाह मुझे उठा ले ताकि मेरी इन लोगों से और इन लोगों की मुझसे जान छूट जाए। बेटा इमोशनल ना हो, ये इमोशनल होना औरतों का काम है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या हाल है आपके? हाँ बेटा ठीक ठाक, तुम कैसे हो? अंकल ठीक ठाक। मिराल आपके घर है? नहीं, सब खैरियत है ना? जी जी अंकल, मैं ख्याल से किसी दोस्त के घर होगी, मैं देख लेता हूँ। ठीक है, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज अंकल। सही कहते हैं लोग, मर्द के कई रंग होते हैं। सब कुछ मेरे सामने होता रहा, मैं बेवकूफों की तरह देखती रही, कुछ पता ही नहीं चला। मेरे सामने वो लेक्चर प्रिपेयर करने की एक्टिंग करता रहा, मैं बेवकूफ बनती रही। मिराल तुम इसी बात से अंदाजा लगाओ कि हारिस भाई की नजर में तुम कितनी स्पेशल हो। स्पेशल हूँ? अगर मैं स्पेशल होती ना तो मुझे इस तरह बेवकूफ नहीं बनाता वो। मिराल तुम तस्वीर का दूसरा रुख नहीं देख रही ना? तस्वीर का दूसरा रुख होता ही नहीं, जो होता है नजर आ जाता है। मैं जानती हूँ तुमने मेरी बात तो मानी नहीं है। जी डैड। मिराल कहाँ हो तुम? यही हूँ। यही कहाँ बेटा? हारिस का फोन आया था। अब हारिस का फोन आया था, आप पिक मत कीजिएगा प्लीज डैड। बेटा तुम हो कहाँ? निर्मल के पास हूँ, कल सुबह तक घर आ जाऊंगी। क्या हुआ, लड़ाई हो गई हारिस से? डैड प्लीज, इस वक्त मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। पहले मेरा मूड खराब है, मैं आपसे सुबह बात करूंगी। अच्छा अच्छा चलो रिलैक्स, बाय। ओके खुदा हाफिज।
पढ़ाई की इंतहा है वैसे। उसे जरा शर्मिंदगी नहीं है अपने किए पर। मेरे डैड को कॉल करके बता रहा है। इसका नंबर अनब्लॉक करके इसका दिमाग ठीक करती हूँ। हेलो मिराल, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें कब से कॉलिंग कर रहा हूँ। एक्टिंग अच्छी करते हो प्रोफेसर। मिराल मैं तुम्हारी वजह से मैंने तुम्हारे लिए मस्कियों जो सुनने के लिए तुम्हें कॉल नहीं की, बल्कि ये बताने के लिए किया कि आइंदा मेरी फैमिली में से किसी को कॉल मत करना। अगर ये रिश्ता खत्म हो ही रहा है तो उन्हें बीच में लाने की जरूरत नहीं है। अम्मी मैं क्या करूं? ऑफिस जाऊंगी तो जहांगीर साहब और सब कलीग सवाल करेंगे, घर पे रुकूंगी तो अब्बा सवाल पूछेंगे, मैं कहाँ जाऊं? बेटा इस तरह छुप के घर तो नहीं बैठ सकते ना, दफ्तर जाना पड़ेगा ना, काम तो करना पड़ेगा। अम्मी मैं चाहती हूँ कि हसन को मेरे बच्चे के बारे में कभी इल्म ना हो। छुपने वाली बात नहीं, मैं छुपाऊंगी, यही उसकी सजा है। बेटा तुम अपने आप को परेशान मत करो ना, बच्चे पे बुरा असर पड़ेगा। अभी और क्या बुरा असर पड़ेगा? मेरा बच्चा बगैर बाप के बड़ा होगा, किससे बुरा क्या हो सकता है उसके साथ? अल्लाह बेहतर करेगा मेरी बेटी। अल्लाह बेहतर कब करेगा अम्मी? कोई रास्ता नहीं है, हसन ने हर रास्ते पर मेरे लिए खारदार तारे बिछा दिए। मैं जहाँ जाऊँगी मुझे जख्म मिलेंगे। क्यों इतनी परेशान हो रही मेरी बेटी? ऐसे ना सोचना, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा सब। किसी एक के जाने से जिंदगी रुक तो नहीं जाती। तू तो बाबा का बहुत बहादुर बच्चा है। नहीं मैं बहादुर अम्मी वो नहीं। अच्छा अच्छा बस अम्मी बेटा, मैं चौकीदार के रवैये पे बहुत शर्मिंदा हूँ, माफी मांगती हूँ आपसे। पता नहीं मिराल ऐसा क्यों कर रही है। आप दोनों की लड़ाई तो नहीं हुई? अरे नहीं आंटी, छोटी सी बात थी, इट्स गोइंग टू बी ओके। मिराल कहाँ है? वो यहाँ तो नहीं आई? कल रात से घर भी नहीं आई। क्या घर पे नहीं है? तो फिर कहाँ गई? आंटी यकीन वो निर्मल की तरफ हो गया चेक, आप परेशान मत हो। क्या हुआ? क्या हुआ? बाबा कुछ नहीं होगा, मैं अभी एम्बुलेंस बुलाती हूँ। बाबा उठे, उठ के बैठे, उठे 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 उठे। बाबा क्या हुआ?
अनाया बाबा 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 क्या हुआ? मैं बुला रही हूँ, मैं बेल के दारू, बेल बेल के बस 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 बाबा उठे 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 बाबा जी उठे 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 हिम्मत करे। हारिस की गाड़ी यहाँ क्या कर रही है? मैंने बहुत कोशिश की रोकने की जी, लेकिन वो बीबी जी ने अंदर बुलवा लिया उनको। तुम्हें जब मैंने कहा था उसे घर में नहीं घुसने देना, वो अंदर कैसे आया? बीबी जी ने कॉल करके बुलवाया। जाओ यहाँ से। मैंने कहा था ना फैमिली को इन्वॉल्व मत करना, फिर यहाँ क्यों आए हो तुम? तमीज से बात करो, शौहर है तुम्हारा? शौहर है पर रहेगा नहीं। मिराल, मेरा क्या जुर्म है? इतने मासूम बनने की जरूरत नहीं है, तुम अच्छी तरह जानते हो तुम्हारा जुर्म क्या है। मेरा ये जुर्म है कि मैं अपनी जॉब को कंटिन्यू करना चाहता हूँ। फिलहाल मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, जा सको प्लीज। ओके, तुम चाहती हो तो मैं चला रहा हूं। बाबा नहीं सर, आप इसको नहीं उतारी अभी, आपको इसकी अभी जरूरत है सर। बाबा भी नहीं उतारे मुझे बहुत आप रखेंगे मेरा ख्याल। प्लीज माँ बाबा बुला रहे बुला, आप खामोश हो जाए। हाँ बाबा चेक कर रहे हैं, सब्र करें सब्र करें। कुछ कुछ नहीं मम्मी, कुछ नहीं बाबा। बाबा मुझे आपकी बहुत जरूरत है बाबा। बाबा मैंने आपसे तो कोई बात भी नहीं शेयर की, मैंने आपको बहुत कुछ बताया है। मेहराल, हारिस भाई इतनी एफर्ट कर रहे हैं, जाने दो यार, माफ कर। आई डू नॉट केयर। Come in. Hello. कोई खास खबर लाए हो? जी, आपसे मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी थी। बोलो, इसे सब पता है। अनाया के वालिद साहब की डेथ हो गई। हसन को इस बात का इल्म है? नहीं, आई डोंट थिंक सो। गुड, उसे बात नहीं पता चलनी चाहिए। आई ट्राई माय बेस्ट। तुम उसके पास जाओ और उसे कामों में उलझा के रखो।
ठीक है। मुझे बाबा को देखने दे, अभी ना लेके जाए, मैं कैसे रहूंगी बाबा के बगैर। मेराल, दुनिया ऐसे नहीं चलती होती मेरी जान। अल्लाह का कानून है, बुरा करोगे तो बुरा होगा, फिर चाहे आप कितने ताकतवर क्यों ना हो। मैंने कुछ बुरा नहीं किया है। अनाया मेरा घर लूटना चाहती है, मैंने सिर्फ अपने घर का दिफा किया है। मेराल, ये तुम्हारी गलतफहमी भी तो हो सकती है, बच्ची नहीं हूं मैं।